जब कभी भी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया है। कई महीनों में पिछला साल भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष था। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे जवानों ने हिम्मत, आत्मविश्वास और धैर्य का भरपूर प्रमाण दिया है। बीते एक साल में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई है और यह शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी तैनाती और रक्षा तैयारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे अथक प्रयास जारी हैं। हमने जितने प्रयास अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए किए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता से प्रयास शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए भी हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक संयुक्त वक्तव्य में 24-25 फरवरी की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की घोषणा की है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और अवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी।